समाज में गैर बराबरी को हमें निपटाना है, गैर बराबरी को खत्म करना है। ये गैर बराबरी का, ये छुआछूत का, ये भेदभाव का समाज कब तक रहेगा? कब तक जन्म के नाम पर, जन्म के आधार पर किसी बच्चे से भेद किया जाएगा? मैं कुछ दिनों पहले इसी जौनपुर का एक वीडियो देख रहा था। एक छोटी सी मासूम बच्ची, वो कहती है, अनुसूचित जाति की बच्ची, वो कहती है, स्कूल में आती हूं तो लोग हमको गालियां देते हैं। आज ये हो रहा आजादी के 75 साल के बाद। अभी कल परसों की बात है, एक वीडियो हमने देखा यही सोनभद्र का, एक आदमी एक दलित युवक को अपने चप्पल पर थूक कर चटवाने के लिए उसको कह रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा एक नौजवान आदिवासी के सर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पेशाब कर रहा है। उसके कुछ दिन पहले हमने गुजरात की खबर पढ़ी जहां एक छोटा सा बच्चा दलित समाज का एक गेंद छू लेता है, उसका अंगूठा काट लिया जाता है। कुछ दिन पहले हमने खबर पढ़ी बुलंदशहर के अंदर एक सीआरपीएफ का नौजवान अपनी शादी में घोड़े पर चढ़ने के लिए पुलिस का प्रोटेक्शन मांगता है। कुछ दिनों पहले मैंने खबर पढ़ी टीकमगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, एक दलित युवक को घोड़ी पर चढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ती है। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो सबको समान हक देने की बात की, और भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल की आजादी के बाद भी जहां जहां बीजेपी का शासन है, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं और इसके लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ने का काम करते हैं।